दूसरे कौन से भाई ये वाले कि पिंक वाले? चलो हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका राज एंड किरण ब्लॉग्स में। और आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि दिन में आजकल जैसे गर्मी का टाइम है तो दिन में धूप होती है और शाम को हवा चलती, तो इस वजह से कायरों को हम बाहर नहीं ले जा पाते। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे तो दिन है लेकिन कल रात को बारिश हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा और हवा बिल्कुल नहीं चल रही। तो फिर मैंने सोचा ये परफेक्ट टाइम है थोड़ा सा आउटिंग करने का है। हाँ, धूप भी नहीं है, क्योंकि बस यही सीन हो रहा है दिन में। अगर सुबह के टाइम पे तो हम उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसमें ही टाइम चला जाता है। दिन में बाहर जा नहीं सकते क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, शाम को फिर हवा चलने लगती है। तो इसलिए आज का दिन हमें अच्छा लगा, क्योंकि ये देखिए कायरों पे मैंने हल्की सी टोपी पहना रखी, मतलब कायरों पे मैंने टोपी पहना रखी क्योंकि हल्की सी, जैसे मैंने बताया ना कल बारिश हुई थी तो मे बी ठंड हो सकती है। इवन मैंने अम्ब्रेला भी रखा हुआ है कि कभी भी बारिश हो सकती है। और बाकी ठंड तो नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहोगे कपड़े तो हमने नॉर्मली पहने हुए हैं। कायरों पे थोड़ा सा मैंने की है, एक लेयर ऊपर कर रखी है, जैसे कि वैसे दो लेयर में मैंने इस पे कपड़े पहना रखे हैं। कायरों सैनिटाइजर रख ले अपने पास में। तो मार्केट में जाएंगे, देखते हैं क्या क्या मिलेगा वहाँ, करेंगे अगर शॉपिंग तो आपको भी जरूर दिखाएंगे। पर्स में उसी में रखो ना ये सैनिटाइजर, मैंने बस इसका सूथर वगैरह रखा हुआ है। ये गाड़ी ले जानी? हाँ, तो इसलिए हो ही गए मेरे हिसाब से, तो पता नहीं अब भूल गए होंगे। तो नज़दीक वाली मार्केट में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो पैदल ही जाएंगे। जो दूसरी वाली मार्केट हम जाते हैं जहाँ हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ हमें बस से जाना पड़ता है, यहाँ हम पैदल ही चले जाते हैं। कियारा, तो कियारा पे भी मैंने जीन्स वगैरह पहना रखी है कि शायद आते टाइम ठंड ना हो जाए। मुझे हवा नहीं चल रही, इसको टोपी पहनानी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये बना हुआ है जादूगर, क्या कह रहा? नुकसान ही तो होता है इसको एक्चुअली से, जब थोड़ा सा हम गर्म करते हैं ना, जैसे कपड़े पहना दिए ज़्यादा या हल्की सी इसको धूप लगती है, इस पर एकदम से इसकी बॉडी पे, इसके फेस पे दाने होने लगते हैं। तो इस वजह से मुझे मतलब काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि इसको थोड़ा सा भी गर्म ना हो। क्यारा आप तो उसमें जाओगे ना, हैं स्ट्रोलर में जाओगे ना? तू क्यों कह रहा है, तू तो यहाँ बैठा हुआ है। हम निकल रहे थे तो यहाँ पे मिल गया कियारा का फ्रेंड से। बड़ा है ना, हटो यार, वो बेचारा जा रहा था, डर गया। हम कौन सा कुछ कर रहे हैं उसको, उसको बड़ा पता है कि हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा सीक्रेट वाला गेट है, मेन गेट दूसरा है और होटल का और भी बड़ा है, लेकिन ये हमारा सीक्रेट वाला जिसे हम चुपके से खोलते हैं और यहाँ से हम निकल जाते हैं। है? तो अब बाकी मेन गेट में दिखाती हूँ आपको आगे, जो कि अभी बंद ही है जब से लॉकडाउन हुआ था, मतलब पिछले साल से बंद ही है। नहीं तो ये हमारा रेजिडेंशियल वाला
नहीं, होटल वाला तो खुला ही है, वो तो हमेशा से ही खुला था क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी वाले बैठे होते थे, लेकिन जो हमारा वाला है पर्सनल जो यहाँ पे, वो गेट मेन गेट हमेशा बंद ही रहता था मतलब अभी भी बंद ही है। तो ये जो दूसरा वाला गेट है ये गार्डनर वगैरह वालों के लिए है, ये है हमारा मेन गेट। तो ये हमारे घर के पास ही मिग्रोस मार्केट खुल रही है, तो अभी वो तैयारियां ही कर रहे हैं। 18 को हो गए ना, हाँ 18, तो 18 को ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, सामान वगैरह रख रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मार्केट को देखने के लिए, क्योंकि मिग्रोस मुझे अच्छा लगता है, हालांकि सस्ता आइस भी रहे पर मिग्रोस अच्छा है। तो जब हम आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो बस हम पहुंचने वाले हैं मार्केट, और आज काफ़ी टाइम बाद किया रहा हमारे साथ मार्केट आ रही है, तो पता नहीं क्या कहेगी, क्या 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 डिमांड करेगी, और उसमें से हम कितनी डिमांड उसकी पूरी कर पाएंगे। तो वो तो उससे सोच के मुझे अभी से घबराहट होने लगी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, पर हाँ इतना है उसका कि एक चीज़ उठाएगी तो फिर दूसरी चीज़ें रख देती है। पहुँच गए हैं मार्केट, और आप कियारा के पी 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 सुन रहे होंगे, क्योंकि उसकी बाहर से ही डिमांड स्टार्ट हो गई है। आ जा, ये देखिए, चलो चलो इधर से ले रहे बच्चे, इधर से लेंगे ना। उसकी अभी से डिमांड स्टार्ट हो गई कि मेरे लिए कुछ लोग, क्योंकि उसे बाहर ही पसंद आ गया होगा इस वजह से। एवोकाडो क्या देख, स्लीपर्स में देखना कुछ अगर लेना है इसके टाइप की जाएगा। नहीं यार, इसके पास बहुत सारे हैं, मेरे पास भी हैं। इस वाले सेक्शन में कौन सी बॉल, उस टाइप की जिसे मतलब हवा से वो करते हैं, पता नहीं फोटो में तो वो दिखे, तो वो तो बाहर दिखी मेरे को। छोटे बच्चों के कपड़े देख ले, अभी तो आ रही है, अगर उस तरह का लेना है तो लिया था। ये क्या है भाई, पिलो कवर, ये पिलो कवर है, बोलने मत ऐसे यार, वो मना करते हैं। तो कर दो ध्यान से, जो अगर उसे लगे लेना जो किया तो उसमें बाहर लिखा है। ये क्या है, ये क्या चीज़ है यार, सुन लिया है, आइसक्रीम क्यों है? आइसक्रीम की बनाने के लिए या ये प्लीज यार, हर बार हर मतलब जितनी बोतल आई है सारी बोतल हो गया। अब राज को बोतल कलेक्ट करने का बहुत शौक है, उन्हें जो भी बोतल हो गए वो दिखती है, बस खरीद ले यही होता है। एसी चल रहा है यार, एसी चल रहा है यार, ढक लो उसे। कुछ नहीं ऐसे ही घूमने आ रखे हैं। उधर से लेंगे, चलो क्यों, ये वाला है रियो। अच्छा ये वाला लेते हैं बाबू, उसको ये वाला चीज चाहिए, उसको खाती नहीं है, बस उसे पसंद है कि हाँ ये डब्बा मिल जाए। हाँ एक ले रहे हैं ना, चलो। खाती नहीं है वो, खाती ये वाला है, खाती ही है उसको, उसे उस ज्यादा मतलब खाने से ज्यादा इंटरेस्ट उसको उस चीज में है कि डिब्बा घर चला जाए।
जा रहा है? बस की आ रहा था, हो गई अब शांत हो गई है क्योंकि उसको उसकी पसंद की चीज मिल गई, एक बॉल लिया उसके लिए। रात भी हो गए होंगे शांत। और गेट पे आते आते तक किन्नर जॉय में नहीं चाहता था, ये किन्नर जॉय ले इसके लिए, लेकिन बस वहीं पे देखा इसने, रोने लग गई मजबूरी में भी। वो तो अभी बच्चे, किन्नर जॉय भी लेना पड़ा इसके लिए। अच्छा एटीएम में मैं थोड़ा पैसे निकाल लेता हूँ, जेब में 1 रुपये भी नहीं है, कार्ड की आदत पड़ गई है ना, तो बस जहाँ जाओ उस कार्ड स्वाइप करो। अभी 1-2 रुपये की कोई चीज़ लेनी थी तो देखा 2 रुपये भी नहीं थे जेब में, तो मैंने कहा 2 रुपये के लिए क्या कार्ड स्वाइप करवाना, तो वो चीज़ ले ही नहीं पाया, तो इसलिए थोड़ा कैश निकाल लेता हूँ। एटीएम में देख सारे 10-10 के नोट दिए हैं। मैं सोचा कुछ आपने कुछ दबाया होगा ऐसा कि 10-10 चाहिए। नहीं खुले पैसे, शादी में वो पिठाई लगानी है 10-10 की। अच्छा इसलिए कर किस लीरा की खो लगाएगा 10, लोग नकली सोचेंगे। ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये चीज, आप गेस कर सकते हैं क्या होगा? ये अभी नया नया लगाया शायद, पहले नहीं था ना, दूर से दिखाता हूँ, पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, अब बताइए आप लोग क्या है ये? पत्थर आ रहा है उसके नीचे शायद, तो ये है डस्टबिन। ये देखिए, तो ये सरकार की तरफ से लगा हुआ है। इतना प्यारा डस्टबिन में कचरा डालने का मन भी ना करे। यहाँ से गेट बना रखा है, गेट किस लिए होगा? साफ करेगा। अच्छा मशीन नहीं उठाती क्या इसको शायद डायरेक्ट? तो ये देखो आप कितने अच्छे फ्लावर्स बने हुए हैं। ये चम कपड़े, वो तो सब में ही बना होता है यार यहाँ। ये प्लास्टिक है, ये मेटल, ये वो ग्लास का है, ये प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर है, और इलेक्ट्रिक आइटम है जैसे बैटरी वगैरह, सेल वगैरह नहीं, इलेक्ट्रिक है और बैटरी के लिए अलग से ये बना रखा है, बैटरी और सेल वगैरह जो भी है उसके लिए, और ये ऑयल की चीज़ों के लिए। वो क्या होता है किसे? कौन सा? अरे ग्रीस व्रीस वाली आइटम, ऑयली जो आटे आइटम कुछ होती है अगर फेंकनी हो। हाँ वो पिक्चर भी तो बना रखी है, वो देखना। अब इसमें टर्किश में लिखा हुआ है तो उन्होंने पिक्चर भी बना दी, क्योंकि इंग्लिश में है नहीं, अगर टूरिस्ट वगैरह फॉरेनर को उनको समझ आ जाए पिक्चर देख के, जिसको टर्किश नहीं आती होगी। किसी ने देख कांच लाया यहाँ पे रख दिया अंदर, शायद कोई डाल नहीं पाया, कांच वाले के सामने रख दिया टूटा हुआ कांच। अच्छा है नहीं, बड़ा प्यारा है। यहाँ के लोग तो वैसे भी साफ सुथरे रहते हैं, डस्टबिन में ही फेंकते हैं चीज़ें, कचरा वगैरह रोड पे या कहीं पे भी, अगर डस्टबिन ना भी हो ना दिखे, जैसे कुछ चीज़ फेंकनी है और डस्टबिन नहीं है पास में, तो उसको हाथ पे रखेंगे या फिर अपने बैग के अंदर रख देंगे, लेकिन ऐसे कहीं पे भी नहीं फेंकेंगे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे। इंडिया में भी है लेकिन इतना नहीं है यार, यहाँ के लोगों में अंदर से वो चीज़ इंडिया। ये आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का है, ये भी डस्टबिन है। तो हर 20-25 कदम पे चलने के बाद देखिए आप, आगे भी सारे डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ पे रोड की साइड में। ये एक पीछे है, बड़ा वाला तो खैर है ही जो मैंने आपको दिखाया, और ये देखिए एक यहाँ पे है। बस मुझे एक चीज़ लगी, जहाँ पे कचरा डालते हैं ना बड़े डस्टबिन जो इंडिया में होते ग्रीन कलर के, ये देखिए ये भी डस्टबिन है यहाँ पे। इतने आलसी है कि मतलब दूर से ही फेंकते तो वो ना मतलब उसके अंदर नहीं जाता, बाहर ही पड़ा रहता है। ये देखिए सामने भी रोड के दोनों साइड लगे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं ये बड़े वाले हैं जो कमर्शियल यूज में हैं, जैसे यहाँ पे आसपास घरों के लोग आते होंगे और होटल रेस्टोरेंट वाले, तो वो सब इसमें डालते हैं। इसको तो मशीन डायरेक्ट आती है, उठाती है, ले जाती है, मतलब खाली करती है जो भी करती होगी, मशीन डायरेक्ट लगती है उसके साइड में कहीं पे, कुंडा वंडा कुछ फंसाते हैं फटक से। निकालने लग गए भाई, हाँ लाओ इसको फुलाएंगे बच्चा अभी।
ये भी ले आइए यार, ये तो स्विमिंग के टाइम पहनने हैं बच्चे। अच्छा आज 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 दे रहे चलो ठीक। बुला को दे दो, कायरव को दो, कायरव में मांग रहा, देखो कायरव को दो, कायरव को दे दो, इधर दो, दे दो, ये कायरव भी देख रहा है। दे दो कायरव को दो, ऐसे नहीं करता बच्चे। क्या कर रहा है भाई।